पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील मम शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये मम कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते बेसुमार अथा अगन अतोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट करां। पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिनों तो इस पावन अस्थान ते लड़ीवार एक विचार दास ने आरंभ कीती हुई है, थोड़ा जिहा रिपीट करते हैं। पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवा करियो जे किच कीता होवे। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू समो ब्रह्मंड नू बनाया है पंज तत्तां दे विच। मनुख नू करता ते तां मनीए जे ओ किधरे छेवा तत् बना देवे। तो ऐसी गलत है नहीं। समूह संसार ब्रह्मंड पंज तत्तां दे विच ने। शरीर पंज तत्त दा पुतला है और शरीर नूं परमात्मा ने पंज ज्ञान इंद्रिय दित्ते ने। शरीर भी पंज ने, पंज रस दित्ते ने। पंज रसां दा नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कुछ वेख के रस लेंदे हां, कुछ सुन के रस लेंदे हां, कुछ चख के रस लेंदे हां, कुछ स्पर्श करके ते कुछ सूंघ के। ये पंज ही रस ने, छेवा कोई रस नहीं है। और अगां चलिए, कर्म इंद्रे भी पंज ने, ज्ञान इंद्रे भी पंज ने, रस भी पंज ने, मूल विकार भी पंज ने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां पंजां दी बड़े सोहणे ढंग नाल व्याख्या कीती है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोकां च। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पंज तत् दा पुतला है और पंज कर्म इंद्रियां दा जोड़ है, पंज ज्ञान इंद्रियां दा इकट्ठ है, पंज विकारां दी खाण है, एदी झोली च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने रोज ने नितनेम वजो पाईया ने पंज बाणियां और झोली दे च पाए ने पंज ककार। मुफत दे च नहीं, पंज सिरां दी मंग करके। पंज बाणियां दी तुच्छ बुद्धि अनुसार आपने कल वजाहत सरवन कीती। प्रथम जप जाप सवैये चौपई आनंद, तुच्छ बुद्धि अनुसार दास ने कल थोड़ी जी तफसील आप जी के सामने रखी सी। पंज ककार, पंज कके। सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तो, सिखी सिखिया गुरु विचार। सिंह दा जन्म होया गुरु दी तलवार तो, जो केसगढ़ साहब विसाखी वाले दिन मयान चो निकली सी, उसे ही तलवार दी धार तो सिंह दा जन्म होया। सारी दुनिया विच असी दो नामा करके जाने जांदे हां, सिख करके
सिंह करके। असी सिख भी हाँ, असी सिंह भी हाँ। सिख ओ जिदे हिरदे देच पंज बाणियां ने, सिंह ओ जिदे तन ते पंज ककार ने। सिख सिंह गुरु नानक दे नौ रूप मनुख नू पहले सिख बनांदे रहे। सिख बड़ा निर्माण शब्द है, बहुत ही निर्माण शब्द है। सिख तो मुराद मैं सीखना चाहना, मैनू सिखिया दी लोड़ है और मैं कुछ भी नहीं जानता। बड़ा निर्माण शब्द है। धार्मिक दुनिया विच इस तो ज्यादा कोई होर निर्माण शब्द नहीं हो सकता। ते जो जानकारी दा दावा लेके आ जाए, हंकार नाल भर के आ जाए गुरुद्वारे, वो होर भावे कुछ होवे ता होवे सिख नहीं है। सिख ते ओ जिड़ा कहे हे गुरु मैं कुछ भी नहीं जानता, कम से कम सच बारे परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानता। सिख सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो। सिखी सिखिया गुरु विचार। सिंह दा जन्म है गुरु दी तलवार तो। सिख दी पहचान होवेगी कि उदे अंदर गुरु दी विचार होवेगी, बाणी होवेगी। जिस तो जन्म होवे उदी अंश नाल चलदी है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो मां बाप दी अंश शरीर विच मौजूद है। बड़ा सोहना ख्याल दिता है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने रामकली राग विच। पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने रामकली मल्ला पहला। हर पुरुष दे अंदर नारी बैठी है, हर नारी दे अंदर पुरुष है। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो आखे मेरे अंदर नारी दे कण नहीं ने। तो कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो ये दावा करे कि मेरे अंदर पुरुष दे कण नहीं है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोवां दी अंश शरीर विच मौजूद है, पुरुष दी भी स्त्री दी भी। स्त्री स्त्री इस वास्ते हो सकी है कि उहदे अंदर नारी तत ते पूरन ने, पुरुष दा तत अधूरा है, अर्ध अंग। और पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सकिया है कि इहदे अंदर पुरुष दे तत ते पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध अंग। अधूरा शरीर नारी दा है पुरुष दे अंदर, अधूरा शरीर है पुरुष दा नारी दे अंदर। ये जिहड़ी विपरीत दी कशिश है पुरुष दे अंदर नारी दी, ते नारी दे अंदर पुरुष दी जिहड़ी कशिश है, कहिंदे ने ओह जो अधूरा पुरुष है नारी दे अंदर ओह संपूर्ण होना चाहुंदा है। ओह जो अधूरी इस्त्री बैठी है पुरुष दे अंदर ओह संपूर्ण होना चाहुंदी है। प्रकिरति यह मिलाप बाहरों कराउंदी है। इत्थों ही नर मदीन इस्त्री पुरुष दे विवाह आनंद दी आनंद कारज दी रसम चली। यह भी मैं अर्ज करदे हां, गुरु नानक बहुत गहराइयां च जांदे ने। गुरबाणी ही आत्म ज्ञान है, गुरबाणी मनोविज्ञान है, गुरबाणी एक कला है, गुरबाणी संगीत है, गुरबाणी कविता है, गुरबाणी ब्रह्म ज्ञान है और गुरबाणी प्रकृति का ज्ञान है। एक पक्ष नहीं ने, कई पक्ष ने गुरबाणी के, अनेक पक्ष ने। तो मां बाप तो यह शरीर आया है, तो मां बाप की अंश शरीर विच मौजूद है। अगर शब्द तो शब्द की विचार तो सिख का जन्म होया तो सिख को शब्द की विचार चाहिए। जे नहीं है तो जन्म कोई नहीं। जिस तो जन्म होवे उहदी अंश ते नाल होंदी है। सिखी सिखिया गुरु विचार। कहिंदे ने दो जन्म होंदे ने, एक जन्म असी मां बाप दे घर लिया है, एक जन्म गुरु दे घर होंदा है। दो पिता साढ़े, एक नादी एक बिंदी। शास्त्रकार इस नूं इंज कहिंदे ने, नादी बिंदी। बिंदी पिता जो साडा शरीरक पिता है, नादी पिता जिस दे शब्द तो असी पैदा होए, जिदे नाद तो असी पैदा होए, जिदी विचार तो असी पैदा होए। गुरु नानक साडे नादी पिता ने, बिंदी पिता नहीं। कलगीधर
साढ़े नादी पिता ने बिंदी पिता नहीं, बिंदी पिता दे घर जन्म लेके असी पुत बन जाते हैं, सुत बन जाते हैं, नादी पिता दे घर जन्म लेके असी सिख बन जाते हैं। इंज ले लो, इसकी विचार है इंज। मां बाप दे घर जमे है सुत पुत, मां बाप दे घर जन्म लेके जन्म मरण मिटते नहीं ने, चलते ही रहते ने, पर गुरु दे घर जन्म लेंदे आई जन्म मरण मिट जाते हैं। सिख का कोई जन्म नहीं फिर अगे, फिर कोई मरण नहीं, तो गुरु दे घर जन्म हो गया। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, बड़ी सोहनी पंक्ति है, गुरु दे घर जन्म हो गया, जन्म मरण मिट गए, खत्म। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, एक जन्म मां बाप दे घर होना है, हो गया। पुत ते असी बन गए किसी दे, सुत ते असी किसी दे बन गए। इंज कह लो, मां बाप सुत नू जन्म देंदे ने, गुरु संत नू जन्म देंदा है। मां बाप पुत नू जन्म देंदे ने, गुरु सिख नू जन्म देंदा है। और एक पंक्ति जो भाई गुरदास जी दी, उसनु मैं स्पष्ट करा ताकि विचार पूरी तौर पर साढ़े जहन विच बैठ जाए, और मैं मूल गल जो अर्ज करन लगा। सिख ओ जिदे अंदर पंज बाणियां गूंज दियां, मूल मंत्र गूंजदा है, गुरु मंत्र गूंजदा है। सिंह ओ जिदे तन दे उत्ते पंज ककार ने। सिंह होना साडा बाहर दा रूप है, सिख होना साडी बुनियाद है, फाउंडेशन है, बुनियाद। जैसे मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी, दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ नहीं दिखाई देंदी, शरीर दिखाई देंदा, आत्मा नहीं दिखाई देंदी, संसार दिखाई देंदा, निरंकार नहीं दिखाई देंदा, पर जड़ां दा जो प्रगट हिस्सा है वह दरख्त है, ते दरख्त दा जो गुप्त हिस्सा है उस दियां जड़ां ने। मकान दा जो गुप्त हिस्सा है उसकी बुनियाद है, ते बुनियाद दा जो प्रगट हिस्सा है वह मकान है। शरीर दा जो गुप्त हिस्सा है वह आत्मा है, ते आत्मा दा जो प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। संसार का जो गुप्त हिस्सा है वह निरंकार है, तो निरंकार का जो प्रगट हिस्सा है वह संसार है। सिख का जो प्रगट हिस्सा है वह सिंह है, तो सिंह का जो गुप्त हिस्सा है वह सिख है। सारी दुनिया के असी दो नामां करके जाने जाते हैं, सिख करके, सिंह करके। सिख नाम दिता है सानू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, सिंह नाम दिता है सानू धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। विद्वान दास की समझ के मुताबिक सिंह साडा तखल्लुस है, सिख साडा नाम है, कौमी साडा, कौमी नाम सिख, साडा कौमी तखल्लुस उपनाम सरनेम सिंह, सिख सिंह। सारी दुनिया च असी इन्हां दो नामां करके जाने जाते हैं, सिख सिंह। सिख बुनियाद है, सिंह तामीर है, सिख जड़ा ने, सिंह दरख्त है। कई मैनू कहन लग पैंदे ने, ज्ञानी जी अंदरों सिखी चाहीदी है, बाहर की गल छड़ो, ते जे अंदर जड़ा हरिया भरिया होन ते बाहर ते अपने आप पत्ते आउंदे ने, शाखा आउंदियां ने, बाहर दा रुंड मुंड दसदा पिया, जड़ा उजड़ गईयां ने, जड़ा सुक गईयां ने, पत्ते रहे नहीं, शाखा सुक गई, इस गल का सबूत है जड़ा कित्थे रही ने। अंदरों आती तो बाहरों जरूर पुटनी सी, जड़ा हरिया आदिया तो बाहर हरे पत्ते फुल फल जरूर लगने स। सिंह होना साडा बाहर का स्वरूप, सिख होना साडी अंदर की बुनियाद। बुनियाद रखण दे बड़ा समा लगा, गुरु नानक नूं नौ रूप धारण करने पै, धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं। एक लंबी चौड़ी कथा है जो गुरु प्रताप सूरज दे च लिखी है, ते दास ने अपने ढंग नाल विचार कीती है, पर समय नूं मुख रखना पैंदा है। ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਖਤਸਰ
सिख साडा गुप्त हिस्सा है, सिंह साडा प्रगट हिस्सा है। अब सुन के हैरान होवोगे, परमात्मा दे भी दो नाम ने, निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। जो दिखाई दे रहा है वह सरगुण है, जो दिखाई नहीं देता वह निर्गुण है। दो रूप साढ़े भी, दो रूप सिख ते सिंह। ते हुण मैं अर्ज करा गुरु दे भी दो रूप, एक नहीं है, गुरु दे भी दो रूप। प्राचीन काल तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी च खंडा श्री साहब या बरछा कुछ ना कुछ रख देंदे सन। तो मैं पहले समझदा सी सजावट है, बिल्कुल सजावट। तमाम अस्थाना देच, डेरिया देच, आश्रमा देच, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च एक श्री साहब रख दी, या एक खंडा रख दिता, या कोई तीर रख दिते दो, इस तरह आम गुरुद्वारे देखने को मिलता है तमाम भारत देश। मैं समझता सी ये सजावट है, लेकिन आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, यह समझ मैनू भी सन 84 च पई है, उस तो पहले नहीं। हालात कुछ इस ढंग दे बने, मैनू काफ़ी कुछ ठोकरां खानियां पईयां, ते मैं उन्हां दे नच जाके हजूर साहब 15-20 दिन रहना जो है बना लिया, भी इत्थे रहिंदे आ 15-20 दिन। प्रबंधकों ने हुक्म कर दिता भी तुसी इतने दिन रहना है, तो सवेरे कथा जरूर करो। भावें मैं उन्होंने कहन लगा भी नहीं, मैनू रेस्ट करन दे, मैं आया उंजी आराम करना है। तो पिछोकड़ गल दा उन्होंने विचारियों नू ना पता, तो मैं कथा खैर शुरू कर दिती। जिहड़े सज्जन थोड़े विचों हजूर साहब गए होणगे, उन्होंने पता होगा उत्थों दी मर्यादा दा। अंदर जो अंगीठा साहब है, उत्थे शस्त्रां दी सजावट है, शस्त्र। अमृत वेले कीर्तन आरंभ हो जाता है, और गालबन 6:15 बजे दरवाजे खुलते हैं। जैसे दरवाजे खुलते हैं, पहले नगारे बजते हैं और संगतां परिक्रमा कर दियां ने, बार बार परिक्रमा कर दियां ने, वारी वारी गेट खुलते हैं, पहला दूजा तीजा चौथा, इस तरह वारी वारी दरवाजे खुलते हैं और संगतां परिक्रमा कर दियां ने, ते चारें दरवाजों ते मत्था टेक के फिर अरदास होंदी है, फिर संगतां बैठदियां ने, हुक्मनामा आउंदा है, फिर रागी सिंह बदल जाते हैं, दूजा जत्था बैठता है, उत्थों की यह मर्यादा। और उस जत्थे की कीर्तन की समाप्ति तो बाद कथा आती है, उदास करता रहा। मैं एक दिन जब अमृत वेले बैठा जाना रोज आता सी, वह ज्यों परिक्रमा हुई, जैसे मैं परिक्रमा आरंभ की तो दरवाजा खुला, लोगों ने मत्था टेकना शुरू किया, मैं भी रोज टेकता सी, पर अज तर्क पैदा हो गई। मैं कहते सामने पिस्टल ने, टोपीदार बंदूकों ने, बरछे ने, नेजे ने, तलवारा ने, इन्हों मत्था टेकी, एक कोई साढ़े गुरु ने, यकीन जानो तर्क बुद्धि के मुताबिक तर्क पैदा हो गई, अकल अगे आ गई, श्रद्धा पिछे रह गई। मैं हद हो गई, पिस्टल नू क्यों मत्था टेकी है, कि बंदूक नू क्यों मत्था टेकी है, कोई साढ़े गुरु है। इस तरह की बड़ी प्रबल तर्क पैदा हो गई, तो मैं सामने खड़ा हो गया, मैं परिक्रमा भी छोड़ दिती, सोचा च पै गया मन। उस वक्त असी शब्द के पुजारी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू मत्था टेकन वाले हाँ, तो यह कि तीरां नू मत्था टेकना, तलवारां नू मत्था टेकना, बरछियां नू मत्था टेकना, और छोटियां छोटियां टोपीदार बंदूकों नू मत्था टेकना, पिस्टल पए ने इन्हां नू मत्था टेकना, तर्क पैदा हो गए। पुजारी सिंह भी सामने बैठा मैनू देख रहा सी, हस भी पिया भी इस सिंह दे अंदर, इस ज्ञानी सिंह दे अंदर कोई तर्क जरूर पैदा हुई। परिक्रमा हुई, अरदासा होया, हुक्मनामा होया, संगतां बैठ गईयां, मैं भी बैठ के
रागी जत्था बदले ते रागी जत्थे ने ए शब्द आरंभ कीता अस किरपान खंडो खड़क तुबक तबर अर तीर सहब सरोई सहती यही हमारे पीर ए खंडा ए सहती ए तोप ए बंदूक ए तलवार ए नेजा ए बरछा ए मेरे पीर ने मेरे गुरु ने ए मेरे मुर्शद ने बस एकदम दिमाग सोचा च पै गया मुर्शद पीर बस उत्थों ही ख्याल मेरे बने सिख दा जन्म होया शब्द दी विचार तो सिंह दा जन्म होया गुरु दी तलवार तो जिस तो जन्म आंदा है उस दा मुर्शद आंदा है शब्द तो जन्म होया सिख दा तो सिख ते गुरु ग्रंथ साहब नू मत्था टेकेगा शब्द नू मत्था टेकेगा सिंह दा जन्म होया शस्त्र नू तो इते शस्त्र नू मत्था टेकेगा। फिर मैनू समझ आई कि सारे गुरुद्वारे च गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च तीर क्यों रखते हैं खंडा क्यों रखते हैं श्री साहब क्यों रखते हैं दरअसल सिंह किस नू मत्था टेके सिंह ते शस्त्र नू मत्था टेकेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी आप सारी थां बेनती करते हैं जोदड़ी करते हैं और जितनी बाणी है बेनती के रूप में एक थां ते कहिंदे ने मेरी बेनती नहीं मेरा हुक्म है बेनती नहीं जोदड़ी नहीं हुक्म है और मेरा हुक्म मनना ही पड़ेगा। मैं हैरान सारी बाणी दी च बेनती तरला जोदड़ी लेकिन एक थां ते कहिंदे नहीं मेरी आ गया ये बचन ने पातशाह दे अहै मोर आ गया सुनो तुम प्यारे बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे ये मेरी आ गया ये मेरा हुक्म है बिना शस्त्र ते बिना केस तो मैनू दर्शन ना देने मेरे कोल ना आवना बिल्कुल इनकार बिल्कुल इनकार। तो इन्हां दी महानता तो हुण मैं थोड़े सामने रखनी है बिल्कुल इनकार भी मेरे कोल आ ही ना गल खत्म और फिर कहिंदे ने मेरी जोदड़ी नहीं है कोई मेरी बेनती नहीं मेरा हुक्म है मनना ही ते गल खत्म। अहै मोर आ गया सुनो तुम प्यारे बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे मैं उस वक्त खड़ा हो गया मैं परिक्रमा आरंभ कीतियां जिहड़ियां पहले परिक्रमा मैं छोड़ दित्तियां मत्था टेक के दरवाजे ते मैं कहा गुरु मेरे को अवज्ञा हो गई भुल हो गई समझ नहीं सी ते भावें अज ए तू मैनू समझ दित्ती है ते अज ही तर्क पैदा हो गई सी मेरे अंदर इस पावन अस्थान ते जिथे लोकी श्रद्धा लेके आते ने श्रद्धा वधा के जाते ने इत्थे ही मेरी श्रद्धा नू ठेस लगी इत्थे ही मेरे अंदर तर्क पैदा हुई और धन गुरु गोबिंद सिंह ऐ कलगी दर्पिता तो आप ही इस तर्क नू दूर कीता है और आप ही समझ दित्ती। मैं परिक्रमा आरंभ कीती ना तो देखने वाले भी हैरान सन जदों परिक्रमा हो रही सी उदों ते कंबख्त खड़ा रहा ते हुण परिक्रमा पिया करदा है। मैं चार दफा ही परिक्रमा कीती बार बार मत्था टेकिया अपनी भूल बख्शाई हां सिंह दा गुरु ते शस्त्र है सिख दा गुरु शब्द है सिंह दा गुरु शस्त्र है सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो सिंह दा जन्म है गुरु दी तलवार तो। जो विसाखी वाले दिन श्री केसगढ़ साहब दे च मयान चो निकली सी उत्थों ही सिंह दा जन्म है सिख साड़ी आत्मा है सिंह साड़ा स्वरूप है इंज कह लो सिख साड़ा स्वभाव है सिंह साड़ा स्वरूप है दो रूप आते हैं स्वभाव ते रूप रूप साड़ा सिंह है स्वभाव साड़ा सिख है साड़े स्वभाव दे च गुरु दी विचार है असी गुरु दी विचार दे मुताबक विचरदे हाँ जगत नाल संबंध जोड़दे हाँ पर बाहरों असी सिंह
ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਜਦ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 12 ਬਰਸ ਬਨ ਗਰਭਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਥਿਆਸ ਹੈ ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਸਨਾਤਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਗਊ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 22 ਦਿਨ ਪੰਛੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਧਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਧਰੇ 10 ਮਹੀਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭਕਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਕੁਛ ਸਹਿ ਇਤਿਹਾਦਕ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਬਰਸ ਗਰਭਾਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ। ਚਲੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 12 ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ, ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂ। ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨੋ ਬਹਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੋ ਬਾ ਖੁਸ਼ਸਤ ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ। ਖਾ ਲੇ, ਪੀ ਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨੋ ਬਹਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੁਬਾ ਖੁਸ਼ਸਤ
बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा ने। इथों बाबर की जहनीयत का पता चलता है किस तरह का बादशाह सी ते की इसकी सोचनी सी। एक पंजाबी मुहावरा भी है कि यह जग मिठा अगला किन डिठा, अगली दुनिया किसने देखी है, बस ए ही मिठा है, जो कुछ है ए ही है। तो मैं फिर अर्ज करा, जो इस तो उदास नहीं होया, जो इस जगत तो उदास नहीं होया, जो पदार्थ तो उदास नहीं होया, जो संसार तो उदास नहीं होया, जो इस जीवन तो उदास नहीं होया, वह निरंकार की तलाश नहीं करेगा। गुरु नानक देव जी महाराज का भी वाक, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। ओ दर मैनू कोई आके दसे जिसनों उदास होके मैं लभ रहा। संसार तो उदास हो गया, परिवार तो उदास हो गया, इस जीवन तो उदास हो गया। कलगीधर पिता भी कहने ने उदास बंदे ही लभ सकते ने। रे मन ऐसो कर सने आसा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। मन विच उदास हो जा, घर नू जंगल समझ ले, परिवार नू भी जंगल समझ ले। रह परिवार विच छोड़ना, रह घर विच घर बार नू छोड़ना, पर घर नू ही जंगल समझ ले, जंगल दे जान दी लोड़ नहीं। रे मन ऐसो कर सने आसा, बन से सदन सवै कर समझो, सदन कहने ने घर नू, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। अपने मन विच उपरामता नू जन्म दे। मैं फिर अर्ज करा, जो संसार तो उपराम नहीं वो नाम दी तलाश नहीं करेगा, जो पदार्थ तो उदास नहीं वो परमात्मा दी तलाश नहीं करेगा। जमदे ही सुख लई उदासी, भाई गुरदास कहते ने जमदे आई सुखदेव उदास हो गया, ते परमात्मा दी तलाश करन लग पिया। ये दूजी अनहोनी गल, एक ते 12 साल तक माता दे गर्भ दे च रहा, ते फिर जमदिया ही रब नूं टोलन लग पिया। दोवें गैर कुदरती गल्लां ने, 12 साल। ते मैं इस वास्ते खोज करन ते मजबूर होया सी भी इह लिखिया ते भाई गुरदास ने। सिख जगत दे वेद व्यास महान पंडित महान दार्शनिक सियाणे जिन्हां दे बचना नूं कुंजी आख्या गया, खोलदे ने गुरु दे शब्दां नूं, खोलदे ने विस्तार करदे ने गुरमत नूं, खोलदे ने। तो भाई साहब कहिंदे पए ने सुखदेव 12 साल तक माता दे गर्भ दे च रहा। तो मैनूं फिर इस दी तफसील दे च जाणा पिया। एक जन्म सानूं मां बाप देंदे ने, एक जन्म गुरु ते गुरु दी संगत तो मिलदा है, सत्संग तो मिलता है। यह सत्संग मां है, यह भी मैरज करा। एक जन्म मां बाप तो, एक जन्म संगत तो। सत्संग मां है, गुरु पिता है। एक जन्म इत्थों आता है। 12 साल तक सुखदेव सत्संग करता रहा, ऋषि मुनिया की संगत करता रहा। इस तरह वह गर्भ दे सी। जितने तुसी इत्थे बैठे हो गर्भ दे चो, लेकिन इत्थे समा फिक्स नहीं कि कोई किन्ने दिनां विच नवा जन्म ले लेगा, कोई किन्ने दिनां विच ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, संत बन जाएगा, भगत बन जाएगा। यह नवी जिंदगी कितने के दिनां च मिलेगी फिक्स नहीं है। एक दिन भी लग सकता है, एक दिन का गर्व भी काफी है। बाल्मीक नूं एक दिन की संगत हुई सी, सिर्फ एक दिन की, जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। सज्जन ठग वो एक ही शब्द सुन के बदल गया, एक ही शब्द। पता है क्यों? हैरानगी आती है कि गुरु नानक देव जी महाराज या तो सिद्धां कोल गए, जोगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, भगतां कोल गए, संतां कोल गए, या फिर गए दुष्टां कोल, ठगां कोल, चोरां कोल, डकैतां कोल, जालमां दे कोल। जो जालम भी नहीं बन सकया, ठग भी ना बन सकया, ते जो साध भी ना बढ़ सकया, गुरु नानक उस कोल नहीं गए। साध सिद्ध जोगी ओ जो उपर चढ़ रहे सन, ठग चोर जालम ओ जो थले लै रहे सन। दोहां कोल जाण दी लोड़ सी, जो उपर चढ़ रहे सन उन्हां कोल जाण दी लोड़ सी भी थको ना चढ़ो।
किधरे थक ना जाओ, किधरे रह ना जाओ, उन्होंने उत्साह देना सी। ते जो थले लै रहे सन उन्हों का रुख मोड़ना सी, बे उपर चढ़ो, शक्ति तो है उन्हों को, ताकत तो है उन्हों को, पर ना जो उपर चढ़ रहा है ना जो थले रह रहे, इंज विचकार बैठ गया है। गुरु नानक उस को नहीं कहे इस जिंदगी गति कोई नहीं, ये जीवन देते कोई चाल ही कोई नहीं। यकीन जानो कई जिंदगी कोई चाल नहीं होंगी, ना उपर उठते ना थले। उपर उठन वास्ते भी शक्ति समा ताकत चाहिए है, तो थले जाण वास्ते भी हिम्मत चाहिए। कमजोर बंदा तो डकैत कातल नहीं बन सकता, आखिर हिम्मत दलेरी तो चाहिए। तो कमजोर बंदा यकीन जानो भगत संत नहीं बन सकता, आखिर हिम्मत साधना तपस्या तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए। इस वास्ते गुरु नानक सतसंग मां है। इत्थे एक दिन दे भी जन्म हो सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 12 साल भी लग सकते हैं, एक जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। निश्चित नहीं है समा, कुछ भी निश्चित नहीं है। वाहिगुरु दास ते इंज भी कहिंदे ने केते गर्भ गले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंदे ने गर्भ दे च ही सड़ जांदे ने, गल जांदे ने, जन्म ते होंदा है मुरदे, कुछ भी नहीं मुरदे, गर्भ च ही मर गया। उत्थों जिंदगी मिलनी सी, जन्म मिलना सी, गल गया, सड़ गया, मुरदा। कई सत्संग करदिया ही करदिया दुष्ट हो जांदे ने, गुस्ताखी माफ, गुरुद्वारे आंदे आंदे ही भ्रष्ट हो जाते, कुछ भी नहीं। मिठ बोलना सुभा की थां ते उल्टा कौड़ा बोलना। मैं देखदा कई दफा गुरुद्वारे च बहुत सारी थावां ते कई भांडे मांजद्या मांजद्या बंदियां नूं मांजण लग पैंदे ने, जोड़े झाड़द्या झाड़द्या बंदियां नूं झाड़न लग पैंदे ने, कौड़ा बोलन लग पैंदे ने। थकिया त्रुटिया मनुख आंदा हुंदा है, बै बहुत सारे वड्डे वड्डे इतिहासक स्थान देखे ने, तो टुट के अगले पै जाते हैं बोलन का ढंग, उदी थकावट दे च होर वादा कर देंगे ने। कई दफा तो मैं देखना जेडे पुरजे किधरे भी फिट नहीं आते गुरुद्वार फिट कर रखे ने, ऐसा देख के मैं हैरानगी होती है। ओ पुरश ने जो रोज गुरु का कीर्तन कथा सुनद सेवा करद भी कुड़त्तन कड नहीं सके, जहर कड नहीं सके, जन्म नहीं हो, जिंदगी नहीं मिल सकी, ये गर्भ दे ची गल गए सड़ गए। सतसंग मां है। सुखदेव 12 साल तक सतसंग करदा रहा ऋषि मुनिया का, तो नवा जन्म मिलिया। जैसे नवा जन्म मिलिया तो नवा जन्म मिलना की ज्ञान मिल गया, समझ आ गई। हुण समझ एक दिन दे च भी आ सकती है, समझ 12 साल च भी आ सकती है। स्रोता उस दिन सफल जिस दिन उसनु ज्ञान मिल जाए। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। सुरते स्रोता, स्रोता किवें सुचा होंदा है जिस दिन इसनु समझ आ जाती है। उस तो पहले पवित्र नहीं होंदा स्रोता, सुनदा ते पे है, रोज सुनदा पे है, समझ नहीं आई, कुछ नहीं समझ आई, ना कीर्तन समझ दे आया ना कथा, कुछ भी नहीं पता चले। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। स्रोते की जिहड़ी चुली है वह ज्ञान है, ज्ञान दे मिलदिया पवित्र हो जाता है, समझ मिल गई, सुनना सफल हो गया, उदा सुनना सकारत हो गया। सुखदेव का जिहड़ा सुनना सी वह 12 साल बाद समझ आई। संगत ते रोज करदा रहा, कथा भी सुनदा रहा, संगत भी करदा रहा, सेवा भी करदा रहा, पर 12 साल बाद समझ आई। जैसे समझ आई मन उदास हो गया और परमात्मा की तलाश करन लग पिया, जप तप करन लग पिया। समझ दे नाल जप तप करना होर गल है। 12 साल बाद उदासी हो गया। तो मैं अर्ज करा अगर अंदर गुरु की विचार चल रही है, बाणी वस गई है और समझ भी आ गई है, सिख सिख ओह जिदा गुरबाणी तो जन्म होया, गुरु की विचार तो जन्म होया। सिंह ओह जिसका गुरु की तलवार तो जन्म होया। अंदर बाणी का वासा है, रसना मूल मंत्र जप रहीए, गुरमंत्र जप रहीए, बाणी का जप कर रहीए, सिख तंद ते ककार ने ए सिंह।
ये जड़े पंज ककार ने भाई साहब भाई नंद लाल ने जिस ढंग नाल लिखे ने तो मैं थोड़े सामने रखा तो मूल व्याख्या तो मैं कल करांगा क्योंकि आज कई थां ते सेवादास दी लग गई है। भाई साहब भाई नंद लाल दे विचार थोड़े सामने रख के फिर इन्हां दी वजाहत कल और कल शायद मैं खुला समा ला लवां। पंक्ति है भाई साहब भाई नंद लाल जी का रहतनामा जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन सिख ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माण नाल कहा सी कि लंगर चलदा है केवल नंद लाल दे घर, सेवा करन दी जात सीखनी है नंद लाल तो सीखो। आनंदपुर साहब दे गुरु गोबिंद सिंह जी ने इंज कहा सी। और नंद लाल दियां बहुत वड्डियां रचनावां चूंकि ये उन्हां दा तखल्लुस शायराना सी गोया नंद लाल तो अमृत पान करन तो बावजूद बाद भी इन्हां दा ये तखल्लुस चलदा रहा। आप कहिंदे ने निशाने सिखी इं पंज हरफ काफ, सिखी दियां निशानियां पंज काफ दे हरफां दे च बंद ने। काफ कक्का परशियन दे च उर्दू दे च कक्का काफ कहिंदे ने, पंजाबी च कक्का के उन्हों उर्दू फारसी अरबी दे च कहिंदे ने काफ। निशाने सिखी इं पंज हरफ काफ कि हरगिज ना बाशद ई पंज माफ, बिल्कुल माफ नहीं कीता जा सकदा ओ सिख जिदे कोले पंज काफ नहीं ने, पंज कक्के नहीं ने, पंज ककार नहीं ने। केड़े तो नंद लाल तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हजूरी सन, उन्हां दी हजूरी च रहे और महान दार्शनिक। आप कहिंदे ने ये पंज काफ केड़े ने, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ, कड़ा कार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। भाई साहब भाई नंदला कड़ा ए कार दो किरपान नू कार दो परशिन विच कहिंदे ने, छोटी किरपान, वैसे किरपान दे अखरी अर्थ ने दूजे ते किरपा, इस वास्ते शस्त्र पहने दूजे ते किरपा करन वास्ते, दूजे दे बचाव वास्ते, दूजे दी रक्षा होवे, किरपा आन दूसरे ते किरपा करनी है, बख्शिश करनी है, इहदे नाल दूजे दी रक्षा करनी है। किहड़े दूजे दी? मजलूम दी, गरीब दी, निमाणे दी, निताणे दी और अपनी। किरपा आन कड़ा कार दो काच कच्छा कचहरा, कड़ा कार दो काच कंगा बिदां। और चौथा कंगा ते पंजवी पंक्ति च भाई नंद लाल बड़ी गजब की पंक्ति उच्चारण कर देने, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशां, बिना केसा तो ये चार निशानियां परवान नहीं, ये हेच ने, लाड़ी कोई नहीं ते बरात की मैंने रख दी साफ। बिना केस शब्द केस है, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान, ये जुमला निशानियां इकट्ठिया निशानियां केड़ियां? किरपान कंगा कड़ा कछहरा, केसा तो बिना नहीं शोभदे। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान, ये जुमला निशानियां प्रवान नहीं, माफी का खास्तगार नहीं। सिख मैं फिर अर्ज करा जिदे अंदर शब्द की विचार चलती है, सिंह जिदे तन दे ते ककार चलते ने, जिदे तन दे नाल नाल ककार चलते ने, सिख जिदे मन दे च गुरु की विचार चलती है, शब्द की विचार चलती है, शब्द का जाप चलता है, वाहेगुरु वाहेगुरु रसना ते चलता है, हिरदे ते चलता है। सिख साडा कौमी नाम है ते सिंह साडा तखल्लुस है, ये भी मैं अर्ज कर लें। तखल्लुस उपनाम सरनेम, जैसे मुगल सम्राट पुराने दार्शनिक फिलोसफर कवि शायर अपने तखल्लुस रखते सन, जैसे मैं उस दिन अर्ज की थी है कि हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन वो जब सिंघासन ते बैठा उसने अपना तखल्लुस रखा अकबर, अकबर के अखरी अर्थ ने सब तो वड्डा,
अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जिस दिन सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर, सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे च, ये उसने तखल्लुस रखिया। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहजहां, शाहे जहां, सारी दुनिया का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां का लड़का मयुनदीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब, औरंगजेब उसका नाम नहीं है, नाम उसका है मयुनदीन। जिस दिन सिंघासन ते बैठा है भरावां नूं मार के, प्यो नूं जेल विच पा के, भैण नूं जेल विच पा के, ते जिस दिन तख्त ते बैठा है इसने अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहिंदे ने तख्त नूं, ते जेब कहिंदे ने श्रृंगार नूं, औरंगजेब तख्त दा श्रृंगार, तख्त दी शोभा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। कलगीधर पिता उस दे तखल्लुस बारे जफरनामे की बाणी जो बाप लिखते हैं मैं थोड़े सामने रखा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ना जेबत तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नबायद फरे, श्री मुखवाग पातशाही दसवीं। आए मयुन दीन, ये जड़ा तू नाम रखे औरंगजेब तेन शोभा नहीं देंदा। औरंगजेब दे अखरी अर्थ ने तखत दी शोभा, तखत दा श्रृंगार, तखत दी मान मर्यादा। सतगुरु कहिंदे तेरे जैसा बंदा जब तख्त ते बैठदा है तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है। तू तख्त दी शोभा थोड़ी है, तू तख्त दा श्रृंगार थोड़ी है, सतगुरु दी जुर्रत, ये हिम्मत पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। वक्त दे शहनशाह नूं आप जफरनामा, जफरनामे दे अखरी अर्थ ने जित दियां चिट्ठियां। हैरानगी दी गल, पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए ने, आनंदपुर तबाह हो गया है, किले मसमार हो गए ने, सिख मारे जा चुके न, संगी साथी भी कोई नाल नहीं रहा, ते जित दियां चिट्ठियां पे लिख दें, हौसला बुलंद है, बड़ी गल। जफरनामा, ना जेबत तुरा नाम औरंगजेब, औरंगजेब नबायद फरेब, तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी ब सिद्ध को सफा। तुम मक्कार हैं, अय्यार हैं, धोखेबाज हैं, तखत दी शोभा थोड़ी है, तो तखत दा श्रृंगार थोड़ी है, इस सतगुरु दे वाक। और सुन, अगर सतगुरां बहुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। हजार कसमां भी किधरे तू कुरान दियां खावे, हो सकता कोई भुलेख नाल तेरे ते भरोसा कर लवे, मैं नहीं कर सकता। यह सिर्फ औरंगजेब लई आख्या, हर मुसलमान लई नहीं आख्या। आम सिखां दे बड़ा भारी भुलेखा है भई कोई मुसलमान हजार कसमां भी जो है कुरान दियां खावे ते भरोसा ना करो, हर मुसलमान लई सतगुरु ने नहीं आख्या, सिर्फ औरंगजेब लई। ये वाक सिर्फ औरंगजेब लई जो है लिखे हुए ने। कहिंदे ने जफरनामे तो बाद ये बार बार चिट्ठियां लिखियां गई ने, कुछ अहलकार सतगुरु नूं मिले ने औरंगजेब दे, जो सतगुरु नाल हमदर्दी भी रखते सन, प्यार भी रखते सन। कहन लगे, महाराज चाहो ते थोड़ी सुलह करा देईए। सतगुरु कहन लगे, ठीक है, असी खुद सुलह पसंद। तो अगले कहन लगे, फिर एक शर्त है। पता सतगुरु ने की आख्या, जिथे शर्त आउंदी है वो सुलह नहीं आउंदी, सुलह होंदी नहीं। जिथे कोई अपनी बहुत वड्डी शर्त रख दिती जाए वो तो ईन मनानी आती है। की शर्त है? पता अहलकारा ने साफ कह दिता, महाराज फिर शर्त तो यही है, तुसी हार मन लो तो असी सुलह करा देने। सतगुर कहिंदे ने ये नहीं हो सकता। तो पता अहलकार की कहिंदे ने, हार तो हो गई है थोड़ी, किले ढह गए ने, सिंह मारे गए ने, पिता शहीद हो गया, थोड़े साहबजादे भी शहीद हो गए, तो हार ते हो गई है। मान लो तुसी संत हो, फकीर हो, वली अल्लाह हो, सच्चाई नू कबूल कर लो। साहब कहिंदे ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है। मैं मन नहीं सकदा,
कतई मन नहीं चलता। तो वो उत्थे प्रश्न है अहलकारां दा, तो इहदा मतलब है तुसी संघर्ष जारी रखोगे। सतगुरु कहण लगे हां, पर थोड़े कोल ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं थोड़े कोल है कि कुछ भी नहीं। महाराज कहंदे ने इह ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं। ते पता है अहलकार की कहंदे ने, थोड़े ते तन दे कपड़े भी पाट गए ने। माछी वड़े दी गल, थोड़े तन ते जगा भी पाटिया होया, थोड़े नाल कोई संगी साथी नहीं, थोड़ी धन संपदा लुटी जा चुकी है, थोड़ा सब कुछ बर्बाद हो गया, हार ते हो गई है। मन लो, कबूल कर लो, इहदे च हर्ज की है, थोड़े कोल कुछ भी नहीं। साहब कहिंदे ने इह बिल्कुल ना आखो कि मेरे कोल कुछ नहीं, मेरे कोल कुछ है। की है? सतगुरु दसदे ने, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। यह तो मैं मनदा कि मेरे कोल फौज नहीं रही, मेरे सिख मारे जा चुके ने, मेरे किले ढेर ढेरी हो गए, मैं मनदा। मेरी धन संपदा भी लुटी जा चुकी है, नहीं है, मेरे बच्चे भी मारे गए, मेरा पिता भी शहीद हो गया, मैं मनदा, मैं तस्लीम करदा, सब कुछ नहीं रहा, ये मैं मनदा, फिर भी मेरे कोल कुछ है, मैं हार नहीं मनदा। क्यों? की है? ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐसो अर्श। मेरे हृदय च खुदा बैठा है, उसका प्यार बैठा है, ते जितने चिर तक मेरे हृदय च खुदा है, मैं हार नहीं मन सकता। ये खुदा दी हार हो जाएगी, ये ते सच दी हार हो जाएगी, ये ते इंसाफ दी हार हो जाएगी। हां, मेरा हिरदा रब तो इनकारी हो गया, तो मैं मन लवांगा हार। जिन्ने चिर तक मेरे हिरदे च परमात्मा दा प्यार है ते परमात्मा बैठा है, मैं हार नहीं मन सकदा, ते हार परमात्मा दी हो जाएगी, ये ते खुदा दी हार हो जाएगी। इतना हौसला बुलंद गुरु गोबिंद सिंह जी दा मैं 84 च देखिया। थोड़ी दियां खराशां लोगों नूं आईयां ते कहण लगे, पता नहीं गुरु है भी सही कि नहीं, पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। पर कलगीधर पिता कहिंदे ने, मेरे हिरदे च खुदा दी याद है, वो बैठा है। ऐ औरंगजेब, मैं तेरे कोल हार नहीं मन सकदा, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐसो अर्श। अद्धा मिनट मैं थोड़ा होर लवां। पता अहलकारा ने की आख्या? महाराज तुसी फकीर हो, संत हो, ते संत दा कम है सच्चाई कबूल कर लेना, ते जब सब कुछ तबाह हो गया, हार ते थोड़ी हो गई है, ते चलो तुसी इस तबाही नूं ही कबूल कर लो कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। इस तो ही असी अंदाजा ला लवांगे थोड़ी हार हो गई है। पातशाह दे हुण कबूलण दा ढंग बड़ा निराला मैं थोड़े सामने रखा, जो सतगुरु ने कहे ने उत्थे वाक। संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद। जरी कहिंदे ने सोने नू, कासा कहिंदे ने प्याले नू, संग कहिंदे ने पत्थर नू। बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा पत्थर चुक के अगर सोने दे प्याले नू तोड़न दी कोशिश करे, साहिब कहिंदे ने मैं मनदा कि सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा, मैं मनदा। संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद, कीमत संग ने फजायद बजर कम नशूत। मैं मनदा कि एक मन दा भारी पत्थर चुक के अगर कोई एक सोने दे प्याले नू तोड़न दी कोशिश करे, मैं मनदा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा। पर औरंगजेब ते उहदे अहलकारो एक गल सुन लो, सोना टुट के भी सोना है, पत्थर ना टुट के भी पत्थर है। सोने की कीमत कोई घटनी नहीं, पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं। मेरे बच्चियां नूं रहिंदी दुनिया तक दुनिया शहीद कहेगी, इंसाफ दे उत्ते खड़ा होया कहेगी, और रहिंदी दुनिया तक तेनू दुनिया जालम कहेगी, दुष्ट कहेगी। ठीक है प्याला टुट गया है, पर सोना सोना है। ठीक है पत्थर नहीं टूटिया, पर पत्थर पत्थर है। सच सच है, झूठ झूठ है, सच्चाई सच्चाई है,
जबर जबर है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस तरह दे जो है कहन दे जो है ढंग तौर तरीके। तो मैं फिर अर्ज करा सानू आपने दो रूप दिते सिख ते सिंह। सिख दी पहचान होंदी है जद उसके हिरदे च गुरबाणी दी विचार होवे उसकी रसना दे मूल मंत्र गुरमंत्र का जाप होवे। सिंह दी पहचान होंदी है इहदे तन दे उत्ते पंज ककार होवन। ते पंज ककार किहड़े भाई नंद लाल जो उस वक्त दे गवाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हर वक्त नाल रहण वाले और जिन्हां दे उत्ते कलगीधर पिता आप माण करदे ने। ओ कहिंदे ने निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज ना बासद ई पंज माफ कड़ा कार दो का छकंगा बिना बिना के सहेच अस्त ई जुमला निशा। बिना केसा तो बाकियां चार निशानियां प्रवान ने केस सिरमौर ने महान ने रहत दे चो सिरमौर रहत ने। ते इन्ना पंजा रहतां दी वजाहत मैं कल दे दीवान विच खुले रूप विच तुहाडे सामने करांगा क्योंकि दो शहरां च अज मैं होर भी जाना है। सिख संगतां दे कुछ इस रंग दे जो है चाहत मंग उन्हां दे बनाए हुए प्रोग्राम ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणां च अरदास सतगुरु तौफीक देवे समर्था देवे कि सारी संगतां दीआं खुशियां इन्हां थोड़े दिनां दे जो है लै सकीए क्योंकि दास कुल समां इतना ही सी। अक्तूबर का सारा महीना दास दरबार साहब विच हाजरी भरदा हुंदा है तो इस वास्ते सितंबर की 22 नूं दास वापस जा रहा है ताकि अक्तूबर का हर साल जो गालबन 25-30 साल तो दास उत्थे हाजरी भरदा है। गुरु रामदास जी महाराज के पुरब तो एक हफ्ता पहले कथा आरंभ होंदी है ते दिवाली तो दूजे तीजे दिन समाप्त होंदी है। हर साल दास उत्थे हाजरी भरदा हुंदा है। थां थां ते विचरदे होया कथा करदे होया जो मैं समझदा बैटरी डाउन हो जाती है गुरु रामदास जी के दर ते जाके फिर चार्ज हो जाती उत्थों समर्था मिल जाती है ते फिर थां थां ते जाके जो है प्रचार कर लईदा। तो कल थोड़े सामने फिर मैं इन्हां पंज रहतां दी पंज ककारां दी गल करनी है। आरंभ मैं कीती सी कि पंज तत दा इह पुतला है पंज शरीरां दा इह जोड़ है पंज कर्म इंद्रियां दी इह खाण है पंज ज्ञान इंद्रियां दा इह इकट्ठ है पंज रस इस काया नूं प्रभु ने दित्ते ने और मूल विकार भी पंज ने। इस तरह यह पंजां तत्तां दा पुतला पंजां दे जोड़ दा जो इकट्ठ है कलगीधर पिता ने इसकी झोली च पाईआं ने पंज बाणियां पंज ककार। पंज बाणियां दी कल आपने तुच्छ बुद्धि अनुसार व्याख्या सरवण कीती भावें लंबी सी ते पंज ककारां दी वजाहत कल मैं तुहाडे सामने जो है करांगा। भावें पंज कर्म इंद्रे ने पंज ज्ञान इंद्रे ने पंज मूल विकार ने फिर नदी नाव संदूगी मेले जद होए ते खुलासे करांगे। कल फिर पंज ककारां दी केस कड़ा किरपान कछहरा और इसे तरीके नाल कंगा जो भाई साहब भाई नंद लाल ने अपने रहतनामे दर्ज कीता है ते बाकी रहतनामे जो दर्ज है एक रहतनामा नहीं सैकड़े ने रहता ए पंज ने। कड़ा कार दो काछ कंगा बिना बिना के सहेच अस्त ए जुमला निशान। इन्हां दी शरीर नूं लोड़ इन्हां दा मनोविज्ञानिक असर इन्हां दा अध्यात्मिक नाल जो संबंध है कल आप जी दे सामने विचारां रखांगे। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद बड़े टिकाओ नाल आपने जो है सरवण कीता है। अरदास सतगुरु सारिआं दे हिरदे च वसावे मुखी सजणां दा गुरमुख प्यारिआं दा महापुरखां दा सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। फुल चुकदी छावां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं